हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट क्लास 11th के लिए। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम करते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे। उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना जो है सीखा था। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हाँ, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और ये आपके आगे 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं COGS। ठीक है, सी मीन्स आपका कॉस्ट, ओ मीन्स ऑफ, जी मीन्स गुड्स एंड एस मीन्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसका अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं मीनिंग बताऊँ ना, भाई ये है क्या चीज़, ये कौन सी बला है, तो ये कोई बला नहीं है। अगर आप इसको एकदम आराम से पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर ही इसका मीन छुपा हुआ है। देखो, ये बोल रहा है गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स आपने सोल्ड कर दिया है, जो गुड्स बेच दिया है उसकी कॉस्ट। जैसे अगर आपने कोई गुड सेल किया है 1 लाख रुपीज में, तो क्या इस गुड्स की कॉस्ट भी 1 लाख रुपीज होगी? इतने आप भोले हैं कि आपने जितने में बनाया है उतने में बेच देंगे, तो फिर आप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, आपका धंधा कैसे चलेगा? कि सामने से आप फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज में गुड्स लेके आए और उसको 1 लाख रुपीज में सेल कर दिया, तो क्या आपकी उस गुड्स की कॉस्ट 1 लाख होगी? नहीं। तो वही पता करना है कि जो गुड्स सेल कर दिया वो कितने का था, उसकी कॉस्ट क्या थी, जो सामान बेच दिया वो कितने रुपए का था, कि लागत क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी। चलिए, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है और मैं आपको समझाऊंगा भी और अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, तो आज से भी आप लोग इसको COGS ही बोलना, COGS। आगे 11th 12th क्लास में फर्दर स्टडी में आपको बहुत काम आएगा। तो COGS का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आप क्या लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए, ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा आपको, पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। हाँ, वो ले लीजिए। उसमें ऐड कर दीजिए परचेज, जितना भी गुड्स परचेज किया ना वो ले लीजिए। एक प्लस कर दीजिए, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं कौन से एक्सपेंसेस प्लस करने का कह रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल है ये, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डेबिट साइड में एक प्रॉफिट को छोड़ दो तो यही तो आता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज रिटर्न लेस करके, फिर नेट परचेज की बात कर रहा हूँ, है ना, वो नेट परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये डेबिट साइड हो गई। हाँ, इसमें से लेस कर दिए ये क्रेडिट साइड का केवल एक चीज, वो है क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी है जिसको मैं यहाँ और में लिख रहा हूँ, बट वो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये NCERT की बुक से मैंने लिया है क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बताइए NCERT की बुक्स अप्लाई होती है आपके। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बोला, ये एज इट इज आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में पूछ सकते हैं, भाई आपको कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बहुत ईजी है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे पता है, और नंबर पूरे आएंगे। तो देखिए, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि COGS पूछा है, तो ठीक है बेटा आप क्या कीजिए, COGS का फॉर्मूला लगा दो, COGS का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, COGS का फॉर्मूला हमको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ, और माइनस क्लोजिंग कितना बच गया जो हमने सेल नहीं किया, तो बाकी वही आ जाएगा जो सेल कर दिया और उसकी कॉस्ट आ जाएगी। भाई आपने देखो, इधर एटा से समझाता हूँ, आपने आपके पास में 3 लाख रुपीज़ का गुड्स पहले ही पड़ा था, ओके, फिर आपने क्या कर दिया, परचेज कर लिया 15 लाख का, तो आपके पास टोटल गुड्स कितना हो गया, 18 लाख रुपीज का हो गया। ये तो आपके गुड्स पर
जो पढ़ा था और जो परचेज किया उसकी कॉस्ट आ गई भाई, इतना खर्चा कर लिया आपने 18 लाख रुपीज का। ओके, फिर इसके अलावा कुछ खर्चे आपने और करे डायरेक्ट, 1 लाख रुपीज का वेजेस, तो वेजेस ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फ्रेट इनवर्ड बेटा ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 1 लाख रुपीज का फ्रेट इनवर्ड। तो आप देखो आपने टोटल खर्चा कितना कर दिया, 3 लाख रुपीज का पहले से आपके पास गुड्स पड़ा था, 15 का और, तो हो गए 18, 19, 20, तो 20 लाख रुपीज आपने क्या कर दिए बेटा यहाँ पे खर्च कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको लेस क्या करना है, जो आप इसका मतलब 20 लाख रुपीज का खर्चा हुआ और उसके बाद में हमने 4 लाख रुपीज का गुड्स अभी सोल्ड नहीं किया, तभी तो हमारे पास ये क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो 4 लाख रुपए का गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है हमारे पास, तो इसका मतलब 20 में से 4 लाख रुपीज का गुड्स तो हमारे पास पड़ा ही है, तो आपने सेल कितना किया, आपने सेल किया 16 लाख रुपीज का। कैसे आया 16, इन सब की टोटल देखेंगे ना, देखो इधर 3, 15, 18, 19, 20, ये 20 लाख रुपीज की टोटल कॉस्ट में आपने सामान परचेज करके रखा है, और उसमें 4 लाख रुपीज का अभी तक सेल नहीं किया, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब जो सेल किया वो कितने का किया, 16 लाख रुपीज का, और इसमें अपन ने प्रॉफिट ऐड किया है क्या, नहीं, तो ये क्या सेल वैल्यू है, नहीं, ये इतने का गुड सेल कर दिया, और इसी को बोलते हैं COGS, जो गुड सेल किया है उसकी कॉस्ट। हाँ, इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपकी सेल वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो ये होता है कि अगर आप जो है ना, अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप क्या करो, COGS जो है ना उसमें आप प्रॉफिट जोड़ दो तो आपकी सेल्स आ जाएगी। अभी हम इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, COGS हमने निकाल दिया, प्रॉफिट GP निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो GP प्रॉफिट वही, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको COGS तो आपने निकाल दिया, ये रहा कितना है 16 लाख। ओके, GP का पता नहीं है, और सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सेल कितनी दे रखी है, ये रही 20 लाख, तो अब GP नहीं आ जाएगा, कितना सिंपल है देखो, तो GP कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा ना, 20 लाख माइनस 16 लाख, तो आपका GP कितना आ गया। ओके, सो पर ये ठीक है, अगर आपको फर्दर नहीं पूछे, इतना ही पूछेगा 11th क्लास के अंदर, इतना ही पूछते हैं कि COGS निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालिए, ठीक है, तो वह ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसका एक और फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, जो आगे फर्दर आपके काम आएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है तो उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दीजिए, क्या लेस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, भाई जितना बेचा उसमें से प्रॉफिट हटा दो तो बाकी कॉस्ट ही बचेगी ना। तो ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक छोटा सा टॉपिक था। आने वाली क्लास के अंदर जो अभी ये सीरीज चल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, इसके अंदर आगे और आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड भी आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, और बिजनेस स्टडी का भी कुछ मैं टॉपिक्स यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।